आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज जनसभा के दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला। विधानसभा इजलास में संयुक्त किसान रैली आज आयोजित की गई थी, जहां रैली में आरएलडी के जयंत चौधरी मंच पर पहुंचे हुए थे और उसी बीच मंच पर भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। आपको बता दें कि पुलिस को इस पूरे मामले में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मंच पर पहुंचने से पहले एक नेता इस हादसे में गिर गए। भीड़ की वजह से कई लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आज विधानसभा इजलास में संयुक्त किसान रैली आज आयोजित की गई थी, जिसमें हादसा देखने को मिला है। रैली में आरएलडी के जयंत चौधरी मंच पर मौजूद थे, जिस वक्त यह हादसा हुआ, जहां मंच पर भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे अलीगढ़ संवाददाता खलिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो खलिक, आज ये इगलास में किसानों की रैली आयोजित हुई थी, आरएलडी अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, हादसा देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर को आपको बता दूं, ये जैन जी जब मंच की ओर जा रहे थे, तभी अचानक जो है आरएलडी के कुछ कार्यकर्ता जो उनके पीछे चलने लगे। तादाद ज्यादा होने के बाद जो वो बैरिकेडिंग जो होती है मंच के करीब वाली, वो अचानक टूट गई, जिसमें एक नेता ही जो है ऊपर से गिर पड़े, उनके काफी चोट भी आई है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से जैसे ही जैन चौधरी मंच की ओर अग्रसर हुए, तो जनता के द्वारा जो भीड़ को रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग चारों ओर मैदान में लगाई गई थी, जनता के द्वारा उसको भी तोड़ दिया गया। पुलिस के द्वारा बड़ी मुश्किल के साथ जनता पर काबू पाया गया, साथ ही पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को। वहीं ये सारी चीजें देखने को मिली है जैन की सभा में। खाली इस पूरे मामले के पीछे क्या कुछ वजह निकल कर सामने आई है? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है, अव्यवस्थाओं का पूरा यह मामला देखने को मिला है। अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती तो ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, वो जब मंच की ओर जा रहे थे, व्यवस्थाएं नहीं थी। अगर व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त होती तो 4 से 6 लोग, बताया जाता है 30 के लगभग जो है पदाधिकारी जो मंच पर जाने थे, लेकिन 100 से 150 पदाधिकारी जो मंच पर पहले से ही मौजूद थे, और साथ ही 100 पदाधिकारी जयंत चौधरी के पीछे ही चलने लगे। काफी मशक्कत करनी पड़ी, गार्ड है वहां, 2-4 गार्ड थे, ज्यादा कोई व्यवस्था का यहाँ देखने को नहीं मिला है किसी भी तरीके की। इस तरीके से ये हादसा हुआ है। खालिक, इस पूरे मामले में किनके हताहत होने की खबर सामने आई है? हताश देखिए, एक आरएलडी के ही कार्यकर्ता थे, वो मंच पर जगह बनाना चाहते थे, लेकिन पास वगैरह भी नहीं था, और जो सुरक्षा कर्मी वहां खड़े हुए थे उनके द्वारा उन्हें हटाया गया। हटाने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो वहां अचानक जाग पड़े। जी खाली जी, इस पूरे मामले में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के भी हताहत होने की खबर है? नहीं बिल्कुल, इसमें जयंत चौधरी के फिलहाल ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ ये जरूर है जयंत चौधरी को मंच से आने से लेके और जाने तक काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आरएलडी की अव्यवस्था पूरी तरीके से देखने को मिली है। कहीं ना कहीं जयंत चौधरी खुद इस बात से अचंभित है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा सलूक किया गया है, कि अंदर जाने से लेके आने तक कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की का उन्हें सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, इस तरह के बर्ताव जो नहीं करने चाहिए, कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें जगह देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। वाहवाही के चलते जयंत चौधरी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जी खाली, इस पूरे मामले में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं की अव्यवस्था देखने को मिली है, ऐसे में क्या पुलिस की सुरक्षा पर भी अब सवाल उठते नहीं दिखाई दे रहे? जी नहीं, देखिए पुलिस की अगर व्यवस्था की बात कही जाए तो कुछ लोगों की ही स्वीकृति थी मंच की ओर जाने की, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की सुरक्षा वहां से हटी जी, तो अचानक आरएलडी के जो कुछ कार्यकर्ता है वो मंच की ओर अग्रसर हो गए, और यही कारण है जब अखिलेश यादव जी की जो सभा है वो वहां से हट चुकी थी, उसके बाद 2 से 3 पुलिसकर्मी जो है मंच के मेन गेट पर खड़े हुए थे, उन्हें ये पता नहीं था ये जो लोग जैन जी के साथ आ रहे हैं ये पासेड है या नहीं, ये VIP कैटेगरी में आते हैं या नहीं। अगर ये सारी चीजें वहां होती तो अव्यवस्था नहीं होती। पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था दुरुस्त की गई थी वहां, लेकिन जनता की जो अपार भीड़ है
और जो कार्यकर्ताओं का जो समूह एक साथ आया है उसके बाद ये सारी घटना हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कल आपका पूरी जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर आज संयुक्त किसान रैली आयोजित की गई थी, जहां पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मंच पर मौजूद थे, जिस वक्त वहां मंच पर हादसा हो गया और बैरिकेडिंग मंच की टूट गई, जिसमें कई लोग के घायल होने की खबर बताई जा रही है। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।